तो हे गाइस, आ गए हम वापस मुनीम लोइन के एपिसोड 16 को लेकर। लास्ट एपिसोड में अपन ने देखा था कि जिनको उसका सेकंड ब्रदर ने ट्रेनिंग फिनिश कर दिया था और वो लोग कहीं अपार्टमेंट के लिए चले गए थे माउंट वासेक्ट में इनविटेशन लेके, और उसमें जिन लॉगआउट कर देता है और वो नया वर्ल्ड में आ जाता है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग को नया वर्ल्ड में दिखाया जाता है। ओके, तो जिन अपना गेट खोलता है और बोलता है कि कितना गर्म था इस कैप्सूल के अंदर रहना, मुझे पूरा देह गर्म कर दिया है, मुझे जल्दी जाना होगा और ये अपार्टमेंट को मूव करना पड़ेगा। बोलता है क्या कि 20 दिन रहा मैं अदर वर्ल्ड में, इस वर्ल्ड में 2 घंटा हुआ, तो इसका मतलब है 10 दिन 1 घंटा के बराबर हुआ। और वो अपना फ़ोन चेक करता है, उसमें एक मैसेज आता है, वो भी गिल मास्टर की तरफ से, यानी कि वो लेड जी की तरफ से। उसमें बोलता है तुम तो भूल नहीं ना गए, हम लोग का कल मीटिंग है। तो जिनको याद रहता है बोलता है कि मुझको क्या हंटर रीएवोल्यूशन चेक के लिए जाना चाहिए, इससे पहले मैं सबसे पहले शावर ले लेता हूँ। ये सोचिए वो चल जाता है कॉफ़ी वाला जगह पर अपना मीटिंग का प्लेस, और वो अपना कॉन्टैक्ट साइन कर लेता है पीस गिल से। और उसको सिस्टम से मैसेज आता है कि आपने पीस गिल को ज्वाइन कर लिया है, आपका गिल कॉन्टैक्ट फिनिश हो गया है, आपको 10 पॉइंट मिलता है। जिन सोचता है क्या इसमें भी पॉइंट मिला मुझको, और थैंक यू बोल देता है जिन मास्टर लीडर जी को। लीडर जी बोलते हैं ठीक है, तुमने तो कहा था कि कॉन्टैक्ट बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन तुम इसे साइन पुराने कॉन्टैक्ट साइन करने में ठीक रहोगे ना। तो जिन बोलता है हाँ, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था आपसे, ऐसा कौन सा होगा जो एक ही दिन में इतना ज़्यादा चेंज ला सकता है। और मन में सोचता है कि पहले से ये हमको $500K दे रहा है, वो भी मंथली पे $50,000 के साथ, जिसमें 70% हर साल हर महीना बढ़ेगा, उसके बावजूद मुझको इतना अच्छा मिल रहा है, मैं अभी तक रीएवेल्यूट भी नहीं करवाया हूँ मैं अपना रैंक को। और कोई सोच सकता है कि पुराना वाला 7 दिन पहले मैं इस चीज़ के बारे में सपना सोच रहा हूँ, लेकिन अभी देखो ये हकीकत हो गया है। और मैं सांसी प्रोविजन में क्या नाम है, स्लीपिंग रेकर्ड ऑफ शांसी के नाम से। तो हमारा लीडर जी बोलते हैं क्या कि ये हमारा कॉन्टैक्ट तो फिनिश हो गया, लेकिन उसको तो प्रोसेस करने में कुछ टाइम लेगा, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। तो हमारा जिन पूछता है लीडर जी बोलते हैं हाँ बताओ। तो जिन बोलता है मेरे मुंह पे एक बार थप्पड़ मार के बताओ, तो लीडर जी चटाक से उसको मार देता थप्पड़। जिन बोलता है क्या तुमने सच में मार दिया, वो बिना हेजिटेशन के। तो लीडर जी बोलते हैं क्या मैं कोई भी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर देता, तुम जो मार दे, तुम पत्थर मांगे तो पत्थर दे दिए, चप्पल मांगे तो चप्पल दे दिए। तो जिन बोलता है कि हाँ सच में मैं अब जग गया हूँ। तो जिन लीडर जी बोलते हैं ठीक है अच्छा हुआ तुम सही कंडीशन में हो और फ्रेश फील कर रहे हो। तो जिन पूछता है इसका क्या मतलब है, तो लीडर जी बोलते हैं कि हम लोग जा रहे हैं अपने दूसरा गिल मेंबर से मिलने के लिए। तो जिन सोचता है क्या सही में, तो दोनों लोग चला जाता है अपना गिल के पास। वो जिन देख के एकदम हैरान हो जाता है, एकदम मस्त मस्त बिल्डिंग, और वो जो डिस्ट्रिक्ट रहता है 100 गिल्स का डिस्ट्रिक्ट का एरिया रहता है, वहाँ पे सारा गिल सावर एकदम बड़ा बड़ा एकदम लग्जरी हंटर जैसा। जिन बोलता है मस्त मस्त इनमें से कौन सा मेरा गिल रहता है, हम लोग को जिन का गिल दिखाया जाता है पीस गिल एकदम पुराना हुआ जैसा। तो जिन बोलता है क्या ये तो बिल्डिंग है टूटा फटा है, कब गिर जाएगा पता नहीं चलेगा। तो हमारे लीडर जी बोलते हैं क्या कि यही हमारा गिल्ड हाउस है। जिन सोचता है क्या ये तो कह सकते हैं कि हम लोग का गिल्ड है वो 100 गिल्ड डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि बहुत अच्छा जगह है, लेकिन इसके बावजूद उस गिल्ड का लुक तो देखो कितना है, क्या लीडर जी को इससे अच्छा गिल्ड नहीं मिला। तो लीडर जी पीछे से बटलर से पूछते हैं कि बटलर किम से कि इसका कॉस्ट कितना पड़ा। बटलर किम बताता है $2 मिलियन। इससे तो जिनका आँख एकदम भर जाता है, बोलता है हाँ मुझको यहाँ रहने का अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो बहुत अच्छा है। वो भी बोलता है लीजिए चलिए जी गिल्ड के अंदर चलते हैं, बाकी सब कहाँ है बंदे। तो उसको फिर दिखाया जाता है वो जो गिल्ड का बैनर होता है वो नीचे गिर जाता है, देख के दोनों बहुत परेशान हो जाता है। तो हमारा रफ गाय मोटू, इसको मोटू बोलेंगे ठीक है, मोटू उधर से आता है, बोलता है कि फिर से गिर गया, मैं इसको बार बार लगाता हूँ फिर से ये गिर जाता है। जिन बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो मोटू, तो हमारा मोटू बोलता है तुम सी रैंक में पहुँच गए, तुमको कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं यहाँ पे आया हूँ कुछ गलती है क्या, मैं यहाँ पे जिन जैसे लीडर जी को पता चला कि मैं गिल्ड में ज्वाइन करना चाहता हूँ, लीडर जी आए मुझको इन्वाइट किए कि तुम मेरे गिल्ड में ज्वाइन करना चाहोगे, तो मैंने उनको रिपीट करने का मौका नहीं दिया और मैं तुरंत ही ज्वाइन कर लिया। जिन बोलता है क्या तुम भी रिसेंटली ज्वाइन किए हो, तो मोटू बोलता है हाँ मैं और तुम सब लोग दोस्त एक साथ रहेंगे मेंबर्स। तो गिल बोलता है क्या हम लोग बस है और कोई मेंबर्स है, तो बस हम ही लोग तो नहीं ना। तो मोटू बोलता है नहीं और है ना, तो जिन बोलता है हाँ ये तो अच्छा है। तो हमारा मोटू दिखाता है बोलता है ये देखो आ गई मिस सॉन्ग, तो लड़की का नाम होता है मिस सॉन्ग, देखो कितना मस्त लग रही है यार, क्या मत सोचा ऐसा यार। तो वो मिस सॉन्ग आके बोलती है गाइस हाउ आर यू, और अपना सब्जी उब्जी लेके आती है। तो लीडर जी बोलते हैं क्या तुम आज इतना सारा सामान क्यों खरीद के आए, आज कुछ है क्या, तो बोलते हैं आज हम लोग का थर्ड मेंबर का आने की खुशी में, जिन का आने की खुशी में पार्टी देंगे। तो जिन सोचता है क्या बस 5 हम लोग है, तो इवनिंग का शाम में हम जिन का आने की खुशी में थोड़ा बहुत पार्टी दिया जाता है, और वो लोग पार्टी करके हम लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं। जिन सबका QSN से चेक करता है, जो मिस सॉन्ग रहता है उसका लेवल 64 रहता है, और किम जो रहता है उसका लेवल 80 रहता है, सोचो ये कितना ज़्यादा ताकतवर है।
और जिसको देख के, और उसका पावर रहता है मैजिशियन, मतलब वो मैजिक कर सकता है, जिसको दिखाता है। और वो इससे पहले एक बहुत बड़ा गिल्ड में रह चुका है, जो हमारा ग्रेट डिबन का जो वॉर हुआ था सबसे फर्स्ट टाइम, मतलब जिसके बाद ख़त्म हो गया था वो, उसमें वो लड़ चुका है। और जो हमारे लीडर जी है उनका फर्स्ट टाइम लेवल दिखाया जाता है जो कि 75 होता है, मतलब जिनसे भी ज़्यादा ताकतवर है अभी। तो सब लोग चेस करते हैं और अपना इंजॉय करते हैं। फिर हमारा जीन वापस जाता है और नया गिल्ड में रेड करने के लिए, हमारे जिसमें लीडर जी बोलते हैं क्या कि तुमको बहुत सारे इक्विपमेंट दिया, तुम लोग पहले ये देख लो कि हम लोग जिसके साथ टीम अप करके जा रहे हैं वो लोग कैसे रेड करते हैं। तो जिन देखता है सबका, तो उसको दिखाया जाता है कि वो जो डंजन में जा रहा है वो बी लेवल का डंजन है और वहाँ पे लेबनर्स लोग रहते हैं, मरते हैं। जिन देखता है कि उसका जो टीम था पुराना, मतलब जिसके साथ वो टीममेट कर रहा है, उस टीम में 4 टैंक है, बहुत सारे हीलर्स है और बहुत अच्छा कंपोजिशन है, वो लोग का साथ में बहुत अच्छा बनता है। तो हमारे लीजिए बोलते कि आज हम लोग जा रहे हैं बी रैंक का डंजन करने, क्लियर करने के लिए, जिसका नाम लेबनर्थ ऑफ माइनोटोरस रहता है। तो इसको माइनोटोरस बोलेंगे, ठीक है, बुल बुल कुछ नहीं बोलेंगे, माइनोटोरस अच्छा नाम भी तो है। तो जिन से वीडियो में देखता है कि कैसे सब लोग माइनोटोरस को मार रहे होते हैं और सारे लोग कैसे बच रहे होते हैं, आग से भी उड़ा देते हैं, पैर काट देते हैं, टैंक सब आगे बचते हैं, गर्दन काट देता है माइनोटोरस, ये देख के वो वीडियो ख़त्म कर देता है। और बोलता है जिन की एंड रिजल्ट क्या था, तो हमारे लीडर जी बताते हैं क्या कि वो लोग 5 बी रैंक के हंटर लेके गए थे और 10 सी रैंक के हंटर लेके गए थे, सारे माइनोटोरियस को तो वो ख़त्म कर दिए, लेकिन इस केस में 2 हंटर मर गए। तो हमारा रफ गाय, मतलब मोटू बोलता है क्या मर गए, कैसे मर गए, तो वहाँ पे मुझको ले जाना अच्छा है। तो फिर हमारा लीजिए बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, तुमको जो मैंने गियर्स और पोर्शन दिया है वो तुम कर ही सकते हो। जिन बोलता है, मोटू बोलता है ठीक है, मैं आपका अंडर गाइड में रहूँगा, ये बोल के सब लोग चल जाता है। और फिर वापस से हम लोग को सीन दिखाया जाता है जो सब लोग अपने गियर वगैरह सब पहन के आ गया होता है। मोटू देखता है टैंक बना हुआ है एकदम मोटा जैसा, वो लड़की कितना एकदम कूल लग रही है। जिन भी और बटलर किम तो कुछ किया ही नहीं है यार, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। बोलता है कि हम लोग 2 बी रैंक का हंटर है और 2 सी रैंक के हंटर है और 1 ई रैंक के मोटू है। और उसके सामने जो टीम रहता है वो 5 बी रैंक का रहता है, 5 सी रैंक का रहता है, टोटल 15 बंदे रहते हैं। और कुछ होगा बंदे सब, वो सब उसको देखते हैं, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है। उधर से एक बंदा मोटा तो बोलता है कि मैं हंटर एसोसिएशन से आया हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम इस गेट में 2 हंटर बंदे मर गए थे बी रैंक के, इसलिए आप लोगों को टीम करके जाना पड़ेगा, यही इस गेट का रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम लोग 2 गिल्ड को आपस में ज्वाइन करा रहे हैं रेड करने के लिए। तो इसमें हमारा ये लीडर बोलता है कि मैं चौंसू हूँ, चौंसू गिल्ड का टीम लीडर बटलर किम, कि मैं पीस गिल्ड का गिल्ड मास्टर हूँ और मैं आपको ग्रीट करता हूँ। जिन सोचता है कि ये बी रैंक का हंटर है और भी 20 के एज में, ये गाय टीम लीडर एकदम पोजीशन के लिए एकदम मस्त है, अपना क्यूएसएन से चेक करता है तो उसका लेवल 65 होता है और सोचता है कि ये स्ट्रांग भी है। और मन में बोलता है लेकिन मैंने इसका नाम एकदम फेमिलियर लग रहा है, मैंने इसका नाम इससे पहले कहाँ सुना था। जैसे जब वो लड़की देखती है ना तो हंटर किम, हंटर वो लड़की को आँख मारता है, लड़की बोलती है क्या क्या कर रहा है, और बोलता है ठीक है। हमारा मॉनिटर बोलता है कि ठीक है चलो अब यहाँ से चलते हैं, तुम लोग को दिक्कत तो नहीं है ना कि वो ई रैंक का हंटर जा रहा है साथ में। तो हमारा बटलर किम बताता है कि वो 20 साल से इस काम में लगा हुआ है, उसको बहुत सारा एक्सपीरियंस है, उसके बावजूद हम लोग उसको बहुत सारे गियर वगैरह दिए हुए हैं। तो फिर बोलता है क्या ठीक है ऐसा है। तो वो अपना आँखों आँख से उस दूसरा गिल का लीडर को देखता है, तो बोलता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों आपस में हाथ मिला लेता है, फिर दोनों जाता है, बोलता है ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग जा सकते हो गिल में। ये बोल के दोनों लेबनर्थ ऑफ माइनोटोरस का गिल्ड में चला जाता है। जैसे अंदर जाता है तो जिन देखता है कि छोटा सा गिल्ड है, गुफा जाता, तो जिन सोचता था मुझके लगा था कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, लेकिन उतना ही बड़ा तो नहीं है। इस सिस्टम से मैं चाहता है कि आप लेबनर्थ ऑफ माइनोटोरस में आ गए गिल्ड में, जिसका रैंक बी है और आपका क्विस्ट बिगन होता है। जिन सोचता है कि इतना जल्दी, और वो अपना पीछे चेक कर रहा होता है कि उसका क्विस्ट में लिखा होता है क्या इसको इस गेट को क्लियर करना है, और क्विस्ट का रिपोर्ट अभी नहीं दिया गया था। जिन सोचता है ये इतना बैड भी नहीं है। तो उधर से वो हमारा दूसरा टीम का लीडर बोलता है कि हेलो जैंग टाइकून, मैं पीस गिल्ड का लीडर पीस गिल्ड से। तो हमारा जिन बोलता है मैं जैन टाइकून नहीं जिन टाइकून है, बोलता है हाँ ठीक है जैन टाइकून। तो जिन बोलता है क्या हो गया इसको, मेरा नाम से इसका प्रॉब्लम क्या हो, इसको सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है क्या। तो उधर से बोलता है ठीक है अब हम लोग तो क्लोज आ गए, तुम्हारे पास ये ब्लैक डार्केट आर्मर का सेट कहाँ से आया। तो जिन बोलता है क्या ये तो मुझको लीडर जी ने दिया है। और यही करके दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और लीडर जी उसको देख रहे होते हैं। थोड़ा देर बातचीत करके वो टीम का लीडर चला जाता है। तो हमारे लीडर जी आते हैं, बोलते हैं क्या तुम उसको जानते थे। तो जिन बताता है नहीं बस ऐसे रैंडमली टॉक था। तो लीडर जी बोलते हैं क्या उसको, उसका जो पास पहना हुआ था वो भी देखता कितना मस्त था।
तो जिन बोलता है कि दोनों ऐसे ही है, दोनों उसका अपने आप का गियर को देख रहा है, वो उसका गियर को देख रहा है, ये इसका देख रहा है। मेरे लीडर जी भी एकदम पागल है गियर के पीछे, दोनों फकिंग मॉन्स्टर है। तो यही बोल के हम लोग का वापस डंजन के अंदर सीन दिखाया जाता है। तो वो बंदा बताता है क्या कि आप क्या बात कर रहे थे उसके, तो बोलता है कुछ नहीं, बस ऐसे उसके गियर के बारे में मैं जान रहा था, उस सी रैंक का हंडर के पास इतना हाई क्वालिटी का गियर कैसे आ सकता है, वो हम मुझको लगता है वो रेंट में लिया होगा। तो वो बोलता है हाँ वो रेंट में लिया होगा, उन्हें तो वो खरीद कैसे सकता है, वो तो बहुत जोक वाला बात हो जाएगा। तो हमारा वो लीडर जी बताता है कि अगर वो सर्वाइव कर पाए इस डंजन में तो उसके पास गियर बचेगा ना, अगर इस केस में अगर उस डंजन में मर गया तब तो वो गियर हम ले लेंगे। यही बोल के लास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पीटर उसको मॉनिटर को पैसा दिया रहता है कि तुम लोगों को जाने देना, कोई दिक्कत मत करना, और उसके बावजूद वो बीच का लड़की है जिसको फर्स्ट टाइम आँख मारा था उसको वो पसंद आ जाता है। बोलता है क्या उसको जो नाम है सॉन्ग सॉन्ग, उसको मैं पावर और पैसा खरीदना चाहता हूँ, मुझको वो गर्ल बहुत अच्छी लग गई है, लेकिन ये काम करने के लिए मुझको इस बंदे से हटाना होगा, मतलब उस ग्रुप का लीडर जिसे हटाना पड़ेगा, और ये सी रैंक का जो बंदा है इसके पास गियर अच्छा है, लेकिन क्या मतलब है, मरने के बाद तो कुछ नहीं होगा, इसके बाद जो लड़की है वो मेरी हो जाएगी। फिर हम लोग का आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग जाते हैं अंदर, तो उन लोग को एक मॉन्स्टर मिलता है माइनोटोरस। तो उसमें से दूसरा टीम का बंदा बोलता है कि ये देखो एक ही है, हम लोग तो इसको आराम से मार सकते हैं, हमको इस स्पेशल इक्विपमेंट का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, तो चलो चलते हैं। तो हमारा टीम लीडर बोलता है, टीम लीडर बोलता है क्या कि जो आज सबसे कम इंजरीज खाएगा मैं उसको पार्टी दूंगा। ये बोल के वो बोलता है, रुकता है, बोलता है रुको एक और बंदा आ गया, तो देखता है कि वो दो है, चलो दो से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। बोलता नहीं देखो यहाँ पे बहुत सारा है, कम से कम 8 बंदे हैं। तो हमारा टीम लीडर बोलता है ये तो 8 है। तो हमारा लीडर जी जिन से पूछता है कि तुम क्या सोचते हो, तो जिन बताता है कि डिफ़िकल्ट होगा थोड़ा 8 से लड़ने के लिए, 4 रहता तो ठीक ही रहता। तो लीडर जी बोलता है तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है, तो हमारा जिन बोलता है कि मैं और सर अपना QS सेंसर सबका लेवल चेक करता है, इस सब बी रैंक का आसपास बंदा है 55-58 लेवल का, जो कि एक सेकेंड फर्स्ट से सेकेंड रेट के वॉरियर है। तो जिन सोचता है कि मुड़ी वर्ल्ड में रहता तो ये ट्रेवल रहता, लेकिन इस वर्ल्ड में मेरे पास गियर है और अपना गियर का फैसिलिटी दिखाता है कि 90% चांस है कि इसका इफेक्ट लग जाएगा और बहुत डैमेज देगा। तो हमारा जिन बोलता है, जिन देखता है लीडर जी को, लीडर जी उसको घूर के उसका आंसर है जब आपको खोज रहा होता है। जिन बोलता है क्या मैं ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, तो हमारे लीडर जी बोलते हैं तुम श्योर नहीं हो, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मतलब तुम एक सी रैंक के हंटर हो के भी इस सबको मार सकते हो, इतना तो तुम ताकत रखते हो, तो तुम क्या लगता है जिन, ताकि इसलिए तुमको मैं पसंद करता हूँ। जिन बोलता है ओ लीडर जी जाय का पॉइंट पे आए, क्या बोलना चाहते हो, तो इधर से एक बंदा हंस रहा होता है, बोलता है मैं क्या सही सुना हूँ, तुम लोग बात कर रहे हो कि ये एक सी रैंक का बंदा अकेले आएगा सबको मार देगा, क्या बात कर रहे हो यार, तुम लोग ऐसा बात कर रहे हो। और मन में सोचता है कि ये कैसा है, जो मॉनिटर्स है वो कम से कम सी रैंक से ऊपर ही है, डी रैंक के बंदे, बी रैंक नहीं सी रैंक के ही है, और ये जो है जिन वो सोचता है क्या अकेले वो सबको मार देगा, और आंसर देने में भी हचकिचा रहा है, और इसका टीम मेट का देखो, और सॉन्ग सॉन्ग को सामने में अपने आप को ह्यूमिलेट नहीं करना चाहूँगा, इसलिए आगे बोलता है ठीक है अगर ऐसा केस है तो हम लोग चलो बैट लगाते हैं। तो जिन पूछता है कैसा बैट, तो बोलता है अगर तुम इसमें से सब एक कम से कम एक बी रैंक के होंगे सब, तो अगर ऐसा केस है तो चलो हम लोग एक बैट लगाते हैं। जिन बोलता है क्या है बैट, तो हमारे लीडर जी थोड़ा देर सोचते हैं, फिर वो उसका नाम लेते हैं जिन टाइक्विन, जैंग टाइक्विन। तो जिन भी उसका बोल देता है सिट सेंग जो, सिट मतलब समझे ना, तो सिट मतलब होता है चट्टी। तो हमारा वो टीम लीडर बोलता है क्या, तो बोलता है क्या मैंने तुमको पहले बोला ना मेरा नाम जिन टाइक्विन है, जैंग नहीं है। तो हमारे लीडर जी भी उधर का टीम लीडर भी गुस्सा हो जाता है, बोलता तुमको पता नहीं अभी हम लोग गेट में हैं कुछ भी हो सकता है। तो जिन बोलता है नहीं सीट कुछ नहीं होगा, तो दोनों और गुस्सा आ जाता है, बोलता है कि क्या तुमको तुम मुझको मान भड़काने का कोशिश कर रहे हो। जिन बोलता है नहीं सीट मैं तुमको क्यों भड़काऊंगा। इससे तो फिर बटलर की माता दोनों को रोकता है, और हमारा उसका टीम में सब उस सबको काम डाउन कर रहा होता है। तो उधर से हमारा सॉन्ग सॉन्ग भी बोलती है कि ये टाइम नहीं है ये सब करने का। तो फिर हमारा जो लीडर टीम लीडर है वो बोलता है मैं तो बस ऐसा ही करना चाह रहा था, उससे ज़्यादा फ्रेंडली हो रहा था, वो क्या बोल रहा था वो अकेले सबको मार देगा। तो बोलता है ओ जिन जैन ताइक्विन, फिर से जिन भी गुस्सा हो जाता है क्या बार बार हमको बोल रहा है। बोलता है ठीक है तुमको गिल्ड्स का इतना ही है, चलो हम लोग बैट लगाते हैं, मैं $500,000 दूंगा एक मॉनिटर्स को मारने पे, और टोटल 8 है तो $4 मिलियन मिल जाएगा। तो सब सुन के हैरान हो जाते हैं क्या 4 मिलियन। तो जिन भी बोलता है कि इतना मनी मिल जाएगा मुझको अभी, तो बोलता है कि ये बैट है पहली बात कि मैं तुमको दे नहीं रहा हूँ, तुम जीतोगे तब ना, अगर तुम मर गए तब तुमको देना ही नहीं पड़ेगा, और इसके बावजूद ये जो लड़की है सॉन्ग सॉन्ग इसको मेरा गिल्ड ज्वाइन करना पड़ेगा। तो जिन बोलता है क्या बोल रहे हो तुम कुछ भी मांग सकते हो। तो हमारे लीडर जी
सॉन्ग सॉन्ग से पूछता है तुम्हारा क्या थॉट है, तो सॉन्ग सॉन्ग बोलते हैं मैं तो सोच रही थी कि मुझको इस ग्रीडी बॉय पे लालची बंदा टाइप का बंदा पसंद नहीं है, लेकिन मैं सोच रही थी कि कुछ ना कुछ गिल्ड तो ज्वाइन कर ही सकती हूँ, और सॉन्ग सॉन्ग सेंग दुंग गिल्ड जो है वो ठीक गिल्ड है, मैं जा ही सकती हूँ। तो हमारा उधर का टीम लीडर बोलता है कि एक बार तुम मेरे गिल्ड में आ जाओ, फिर यहाँ छोड़ना देंगे नहीं और अपने प्यार में तुमको पढ़ाई देंगे। उधर से बोलता है ठीक है, तो चलो हम लोग यही केस करते हैं। फिर हमारा लीडर जी भी आता है और बोलता है ठीक है, मैं भी $4 मिलियन लगाता हूँ कि जिन जो है वो अकेले सारा मास्टर को मार देगा। और फिर वो बोलता है ठीक है, तो तुम्हारा 4 मिलियन, 8 मिलियन हो गया, तो अपना पैसा रेडी रखना। और जिन बोलता है ठीक है, लेकिन मैं हार गया, तो हमारा लीडर जी बोलता है नहीं तुम नहीं हारोगे। तो जिन बोलता है ठीक है चलो, तो पार्टिसिपेट करते हैं इस बेट में। यही बोल के लोग आगे जा रहा था, हमारा जो मोटू रहता है वो बोलता है ये सब क्या बोल रहे हैं, सबका मुंह में तो देखो पैसा के लिए लालची हो गया है, वो भी बी रैंक का हंटर होने के बावजूद, और लीडर जी और इसको तो देखो वो भी एकदम पैसा के लिए पागल हो गया, मुझको ही रोकना पड़ेगा, इनका लाइफ को रिस्क नहीं करना पड़ेगा। यही बोल के जा रहा होता है रोकने के लिए, लेकिन उस टाइम पे जिन चला गया होता है। वो देखता है कि जिन इतना जल्दी चल कैसे गया वहाँ तक, तो वहाँ वापस हमारा मनी ट्रस्ट का सीन दिखाया जाता है जो मोह करता है। तो जिन आता है बोलता है कि तुम्हारा काम आ गया है ख़त्म होने का, यू काओ, यही बोल के उसका पेट काट देता है, तो मॉनिटोरस में मर जाता है। तो हमारा मोटू है वो भी घबरा देख के हैरान हो जाता है, और उसका टीममेट भी देख के हैरान हो जाता है, और दूसरा गिल्ड का टीममेट भी देख के हैरान हो जाता है, जिन एक वार्ड में उसे ख़त्म कर दिया होता है। जिन सोचता है कि मुझको लगा था ये हार्ड है, लेकिन हार्ड नहीं है। इसके बाद जो उधर का टीम लीडर होता है उसका तो देख के एकदम पसीना का निकल जाता है, वो सोचता है कि मैं लगता है 4 मिलियन गया। दूसरा वाला मॉन्स्टर को भी मार देता है पेट चिर के, तीसरा वाला, चौथा वाला, पाँचवा वाला, छठा वाला, सातवा, ऐसे सबको मारते जा रहा होता है, अपना तो छठा और सातवा को तो हाथ से चीर देता है एकदम, और बोलता है लास्ट आ गया ये 7-8वां मॉन्स्टर, और ये बोल के उसको मारता है, लेकिन मॉन्स्टर अपना भाला से तलवार से उसका अटैक रोक देता है, लेकिन जिन क्या उसका तलवार के साथ उसको भी बीच से फाड़ देता है। तो वो बोलता है 8 खत्म हो गया। तो दिखाया जाता है जिन पूरा सारा मॉन्स्टर को ख़त्म कर दिया होता है, बोलता है नाउ अब लाओ मेरे डिलीशियस डिलीशियस अमाउंट के पैसे, और जिनका लेवल अप भी होता है सिस्टम से मैं जाके। तो हमारा वो जो टीम लीडर होता है बोलता है कि मेरे पास अभी तो इतने ही पैसे हैं, मेरे पास और पैसे नहीं हैं। तो बोलता है क्या तुम्हारे पास अभी इतने ही पैसे हैं, तो बाकी पैसे कब दोगे तुम, तुमको तो पता है 25 ईयर की ओल्ड हो गया, लेकिन तुम ऐसे अपने सीनियर का मजाक नहीं उड़ा सकते हो। तो वो भी सॉरी बोलता है ठीक है, तो बात का पैसा तुम कब दे सकते हो, यही मैं सोच रहा था तुम्हारा नाम पहले कहाँ सुना था, तुम तो ये हो ना वो जो गिल्ड लीडर है तुम्हारा, उसका तुम बेटे हो ना, तो अभी बहुत पॉपुलर हो तुम्हारा निकनेम, ये तुमको ग्रीडी पिग्गी बोलते हैं सब लोग, सही बोल रहा है ना मैं, जिसकी वजह से वो टीम लीडर बहुत गुस्सा हो जाता है, वो अटैक करने जाता है, लेकिन जिन उसको लात मार के उसको वहीं पे फंसा देता है, बोलता है तुम फिर से भूल गए कि अभी हम लोग गेट के अंदर है, तुम्हें ना मुझको बचाया था कि गेट के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो हमारा जो लीडर टीम लीडर होता है वो सॉरी बोल देता है, बोलता है मुझको जाने दो। तो वो बोलता है ठीक है, तुम मेरे से अपोलोजाइज मांग रहे हो, मेरे गिल्ड मेट से भी अपोलोज मांग रहे हो, ठीक है मैं कुछ भी करूँगा जो तुम बोलोगे। तो हमारा बोलता है क्या सब चीज़ करोगे, बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा। और वो देखता है कि उसका जो टीम मेट्स है वो उसको बचाने नहीं आ रहा होता है, वो बोलता है ठीक है चलो तो उठ जाओ। तो फिर सब लोग देख के उसको मजाक उड़ाते हैं थोड़ा थोड़ा। तो हमारा जो लीडर जी होता है वो उसका बैच ले लेता है, बोलता है देखो ये बैच कैसा है, मेरे चेस्ट में अच्छा तो लग रहा है ना। तो हमारा वो जो होता है वो भी बहुत गुस्सा करता है, बोलता है शिट ये मेरा बैच ले लिया है, बोलता ठीक है अब चलो जैसा हो ही गया तब तो करते हैं। तो लास्ट में हमारा निकलता है नतीजा कि वो लोग इस बातें मान लिए कि जिन अकेले सारा गेट को क्लियर करेगा, और लूट भी सारा जिन ही रखेगा, मतलब जिन का गिल्ड रखेगा, और इन लोग को कुछ नहीं मिलेगा। तो ये लोग निकल जाता है लेके, तो लोग पीछे पीछे जा रहे होते हैं। और तो हमारा जो टीम लीडर होता है वो सोचता है कि ये पक्का सी रैंक का हंटर नहीं है, ये सी रैंक का हंटर अकेला 8 मॉनिटर्स को नहीं मार सकता है, ये अपना फॉल्स लैंकर है, ये अपना कुछ ना कुछ इंटेंशन छुपा रहा है। तो उधर से उसका टीममेट सब आता है, बोलता है आप तो ठीक है ना टीम लीडर, तो बोलता है क्या अब मैं तुम्हारा टीम लीडर नहीं हुआ, तुम लोगों को मैं अपना टीम से निकालता हूँ और अपना गिल्ड से भी निकालता हूँ। तो लड़की सब जाती है, बोलती है नहीं प्लीज़ ओप्पा मुझको मत निकालो। और उसको मन में सोचता है कि इस महीने का मैंने पैसा भी नहीं दिया है, अगर मुझको अभी तक पैसा नहीं मिलेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बोल के सब लोग मनाता है, बोलता है कि आप जो भी बोलेंगे हम करेंगे। तो बोलता है क्या एनीथिंग, मैंने कुछ गलत तो नहीं सुना, ये सुन के वो सब शांत हो जाता है, बोलता है क्या करवाएगा। तो उसके बाद वो टीम लीडर बताता है तो मेरी बात ध्यान से सुनो, तो सबसे पहले ये होगा कि अब हम लोग कुछ ही देर में बॉस मॉन्स्टर के पास पहुंच जाएंगे, और बॉस मॉन्स्टर लेजेंडरी मॉनिटरी वॉरियर है, जो कि एक बी रैंक का मॉन्स्टर है, उसका जो फिजिक है वो ए रैंक का मॉन्स्टर के बराबर है, और जब जिन उससे अकेले फाइट करने जा रहा होगा तो वो हमको ये डाउट है कि वो खुद से अकेले हैंडल उसको नहीं कर पाएगा। तो उसका हीलर जब उसको मदद करने जाएगी तो तुम जाना उसका हीलर को पीछे से अटैक कर देना, जिसकी वजह से जिन उस पर ध्यान नहीं दे पाएगा और हम लोग उसको दबोच लेंगे। और रही बात उस मोटू और उसका लीडर जी का, तो वो तो
जो बटलर की में वो तो मैजिशियन है, वो तो क्लोथ लाइन का हमला कर नहीं सकेंगे, और मोटू तो ई रैंक का, उसका तो बात ही छोड़ दो, और रही बात उसका लीडर जी का, उसको मैं संभाल लूँगा, और हमारा जो लेवरनेट मॉन्स्टर है वो जिन को अकेले संभाल लेगा, समझे ना, तुम लोग कुछ करना मत, और इस ट्रैप को हम लोग को पूरा बिखार देना। तो उधर से जिन बोलता है क्या कर रहे हो तुम लोग, हम लोग बॉस जोन में आ गए, जल्दी आओ यहाँ पे। तो वो भी बोलता है ठीक है, और मन में सोचता है कि आज तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा बेटे, यही बोल के फिर हम लोग को वन स्ट्राइक के बारे में बताया जाता है, और सबको पता है वन स्ट्राइक है वन स्ट्राइक, और लेवरनेट का मॉन्स्टर एक बार में मर जाता है। ये देख के सिस्टम में ऐसे आता है कि आपने 70 लेवल के प्लेयर लेजेंडरी मॉनिटरी मॉन्स्टर को एक ही बार में मार दिया, आपने एक बी रैंक के गेट को क्लियर कर दिया, आपका कंट्रीब्यूशन दे दिया गया, जिन सबका क्या इतना जल्दी क्लियर हो गया। तो उधर से उसका जितना भी टीम मेट है वो बोलता है क्या, सब हैरान हो जाता है देख देख, जिन बोलता है क्या मुझको भूख लगी है, जल्दी अपना पैसा लूट इकट्ठा करो और चलो यहाँ से, तुम लोग की क्या गलती हुआ है। तो हमारा मोटू बोलता है क्या तुम सही में वही ना हो जिन, तो हमारा लीडर जी बोलता है क्या मुझको तो लगा था कि इतना कैपेबल, लेकिन इतना ज़्यादा कैपेबल है, मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था, कभी मेरे से आगे चला गया मुझको पता भी नहीं चला। तो फिर बोलता है ठीक है अब क्या मिशंक आप मुझको हील कर सकेंगी। तो उधर दिखाया जाता है वो दोनों बंदी और बंदा वहीं पर रहता है, तो बोलता है तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ पे, तो वो बोलता है नहीं कुछ नहीं कर रहे हो, बस यहाँ पे आई थी ऐसे ही घूमने के लिए। तो उधर से उसका फेस देखता है टीम लीडर का, जो कि रुक जा यार, जो कि एकदम हैरान हो गया था, मैंने सोचता है कि इस बंदे से हम पंगा नहीं ले सकते, मैच नहीं कर सकते, नहीं तो मेरा पूरा खानदान को ख़त्म कर देगा ये। और यही बोल के डर के मारे अपना पैसा उसको बोल देता है कि इसको मुझको जल्दी जल्दी पैसा चुका देना चाहिए। और फिर बाद में हम लोग गेट के आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बंदा बोलता है क्या आप लोगों ने इतना सारा लूट किया है, आप क्या करना चाहोगे, इस लूट को बेचना चाहोगे या फिर खुद ही रखना चाहोगे। तो बोलते नहीं हम लोग बेचना चाहेंगे। और उधर जिन उस टीम लीडर को लेके जा रहा होता है, बोलता है क्या तुमने जो अमाउंट प्रॉमिस किया था वो कब दे रहे हो, तो बोलता है मैं तुमको दे दूंगा, बोलते कब, बोलता है कल टुमोरो। तो बोलता है हाँ रिच बॉय से ऐसे एक्सपेक्टेड था, लो मेरा अकाउंट नंबर और फंड मुझे कल तक पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो तुम पता है ना कितना फन होगा इसके बाद। बोलता है यस सर ठीक है चलो तुम अच्छे केयर में आ गए, ये बोल के सब भेज देता है। वो बच्चा तो सदमा में ही निकल जाता है। तो हमारा मोटू आता है, वो बोलता है क्या तुमको लगता है कि वो सच्चे में मनी सेंड कर देगा। तो फिर हमारा जिन बोलता है कि तुमको क्यों लगता है वो नहीं सेंड करेगा। तो हमको बताया जाता है मोटू को कि उसका बाप के बारे में जानते हो ना, उसका बाप अकेले ही बहुत सारे गिल से पंगा ले रखा है। तो जिन बोलता है हमारे पास बहुत सारा प्रूफ भी है कि वो कैसे काम किया गिल के अंदर, ये सब कर ही सकते हैं। तो हमारा मोटू बोलता है ठीक है मुझको तो ये भी रूमर सुना हुआ है। जिन पूछता है कैसे रूमर्स, कि उसका बाप जो है चियो सोंग, जो उस सेंग डोंग गिल का जो मास्टर है, वो उसका निक नेम फ्रोजन है, जो कि एक ए रैंक का हंटर है, और वो जो हमारा ग्रेट कैटास्ट्रोफ हुआ था जब डीमन किंग आया था तो उसको मारने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। वो अपने हाथ से बहुत सारा मैजिक टाइप का क्रिस्टल निकाल सकता है, और उसका नाम इसलिए फ्रोजन पड़ा है कि अकेले बहुत जगह का फ्रोज कर सकता है, आइस से खेलता है। वो जब हमारा डीमन किंग को भरा दिया गया तो वो रिटायरमेंट की जगह अपना एक नया गिल बनाने का सोचा, जिसके बाद जितना भी उस टाइम के मेजर गिल थे वो सब इससे पंगा करने लगे कि मैं तुमको नहीं बनाने दूंगा गिल। लेकिन वो जो फ्रोजन था वो अकेले ही सब पे बैंड बजा दे रहा था, वो अकेले ही सारा गिल से पंगा ले रहा था। और फिर हमको दिखाया जाता है उसी का घर, जहाँ पे वो बंदा बताता है कि टोटल 8 मिलियन बंदे को हम लोग को ट्रांसफ़र करना है, ये देखो क्या करना है। तो बोलता है ये कैसे हुआ, बताया आपके बेटे की वजह से, आपके बेटे ने कैसा कैसा किया, अपना ह्यूमिलेशन भी फेस किया और अपना 8 मिलियन डॉलर भी गवा दिया। तो हमारा उसका फ्रोजन रहता है, वो बोलता है क्या 8 मिलियन, कैसा इडियट है, उसको कैसा टाइम मिला है ऐसा चीज़ करने का, ये सोच के वो बोलता है कि उसको लेके आओ। तो उधर से उसका बॉडीगार्ड उसको लेके आता है, बोलता है मैंने उसको लेके आया। तो हमारा टीम लीडर बोलता है कि भारत जी मुझको एक बार एक्सप्लेन करने का मौका दो। तो बोलता है हाँ तुम आ गए यहाँ पे, पहले मैं मेरा हाथ से मार खाओ फिर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, इससे पहले तुम्हारा सेंस तो ठीक कर दूँ। वही बोल के पटक पटक के उसको मारता है, दे देना उसका बैंड बजा देता है। फिर वापस से हम लोग को सीन दिखाया जाता है जिन का कॉफ़ी शॉप का, जहाँ पे उसकी मम्मी काम कर रही होती है जिन का। तो जिन बेल बजता है तो उसकी मम्मी वेलकम बोलती है, तो देखता है कि जिन आया हुआ है। जिन खुश होकर बोलता है हे मॉम, उसकी मम्मी बोलती है क्या हुआ तुमको। तो फिर जिन अपना बैंक बैलेंस दिखाता है कि उसके अकाउंट में 4 मिलियन डॉलर ट्रांसफ़र हो गया था, जिसको देख के उसकी बहन और उसकी मम्मी दोनों हैरान हो जाते, बोलते हैं कि 4 मिलियन इतना ज़्यादा पैसा, साला इतना पैसा। तो जाएगी उसकी जो बहन है वो खांस रही होती है, तो जिन बोलता है तुम्हारा फेस को देखो इतना लाल क्यों हुआ, तुम अपना सेहत का ख्याल क्यों नहीं रख रही है। तो उसकी बहन बताती है कि मुझको फीवर चढ़ा हुआ है। जिन बोलता है क्या तुमने अभी तक डॉक्टर को दिखाया है, तो बोलती है कि हाँ मैंने तो मेडिसिन लिया है जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। तो जिन मन में सोचता है मूडिंग वर्ल्ड होता तो इसका क्यूआर सर्कुलेशन में से तुरंत ही ठीक हो जाती। तो जिन सोचता है हाँ क्यूआर सर्कुलेशन, और वो अपना बहन का हाथ मांगता है, बोलता है हाथ दो।
तो उसका हाथ देता है, तो उसका हाथ पकड़ता है। उसकी बहन बोलती है, क्या ये क्या कर रहे हो तुम, ऐसे क्यों मेरा हाथ पकड़े हुए? तो जिन बोलता है कि एकदम शांत खड़े रहो, अपना अंदर का क्यू आई एनर्जी उसका देह में भेजता है। तो उसकी बहन बोलती है, क्या है, क्या आ रहा है ये मेरे अंदर? तो जिन बोलता है कि जिन फैमिली का कल्टीवेशन टेक्निक है, जो कि धीरे धीरे मन में सोचता है, जो कि धीरे धीरे तुम्हारा बॉडी और मेरा बॉडी को एक तरह कर देगा, और जैसा मैं कल्टीवेशन करूँगा तुमको भी वो फ़ायदा होगा। तो बोलता है कि थोड़ा बहुत तकलीफ देगा तो थोड़ा सहन करना। तो उसकी बहन बोलती है, क्या? थोड़ी बहुत देर बाद बहुत ज़्यादा एनर्जी जैसे आना सर्कुलेट होता है, तो एक घंटा बाद चिल्लाने लगती है, आ आ करके। जिन भी चिल्लाता है, उसकी बहन भी चिल्लाती है, नहीं उसकी बहन, हाँ दोनों चिल्लाता है। तो क्यू आई ट्रांसपोर्टेशन कम्प्लीट हो जाता है, सिस्टम से मैसेज आ जाता है, और उसकी बहन दिखाती है, बोलती है, क्या मेरा फीवर भी चला गया? और उसकी बहन एकदम चमक रही होती है। तो जिन बोलता है, क्या इसको मैं बोलता हूँ जिन, लेकिन आगे बोल देता है, बोलता है, छोड़ो इसको एक एक्सट्रीमली पावरफुल टेक्निक समझो, जो कि हीलिंग टेक्निक का नाम से है। तुम आप कैसा फील कर रही है? तो बोलते हैं, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, मैं पूरा सेंस एकदम मस्त हो गया है, मैं पहले से ज़्यादा हल्का महसूस कर रही हूँ, मुझे पूरा हेडेक जो था वो भी ख़त्म हो गया है, और बहुत सारा चीज़ अपना बता रही होती है। तो जिन बोलता है, हाँ ये एकदम एक्यूरेट हो गया है, और बता है, लेकिन तुम बहुत गंदा गंद कर रही हो, जाओ तुम जाके पहले नहा लो। तो उसी बहन बोलते, मैंने आज सुबह ही शावर लिया था, लेकिन क्या हो गया, ये गंद क्यों कर रहा है? जिन मन में सोचता है कि 19 साल का टोटल गंदगी जो उसका बॉडी के अंदर था, जो हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूशन है सारा उसका देश आज निकल जाएगा, और चलो यहाँ से बिगन हो गया स्टार्ट होना। तो उसकी मम्मी बोलती है, इसका स्किन तो बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है, मुझको भी ये टेक्निक चाहिए। तो जिन बोलता है, इसका टेक्निक बहुत अच्छा है, कोई डिसएडवांटेज नहीं, मैं आपको भी देती हूँ। तो बोल दोनों हाथ मिलाने जाता है, लेकिन उसका बहन का अंदर से इतना गंद निकल रहा होता है कि उसकी मम्मी बोलती है कि तुमको पता है ना कि हमारे पास एक ही बाथरूम है, तो उसको पहले निकल जाने तो फिर ये करेंगे। तो जिन बोलता है, ठीक है। तो फिर वहाँ से हम लोग को दिखाया जाता है, जिनको मैसेज आता है, फ़ोन पे कॉल आता है कि आज एक महीने का वीक का ब्रेक का मिलेगा। जिन बोलता है, क्या है, किस बात का ब्रेक मिलेगा? तो वो सोचता है कि एक महीना, एक सप्ताह बहुत ज़्यादा दिन होता है, वो भी एक नया गिल्ड के लिए। तो जिन पूछता है, क्या कुछ ट्रबल हो गया? वो जो टीम लीडर था दूसरे गिल्ड का, उसने कुछ किया? तो बोलता है, नहीं वो कुछ नहीं किया है, बस ऐसे ही दिया है, हम लोग का जो नया गिल्ड उसको रिनोवेशन कराने में टाइम लगेगा एक सप्ताह का, इसलिए उन लोग को टाइम दिया है। तो जिन सोचता है, क्या अगर कुछ हुआ होगा तो मुझको बताना, मैं ज़रूर काम आऊँगा। मन में सोचता है कि मैं आशा करता हूँ कुछ ख़राब चीज़ नहीं हुआ होगा। फिर वो फ़ोन रख देता, बोलता है, ठीक है अपना ब्रेक करो, हम एक महीने बाद मिलेंगे। तो जिन वहाँ से चल जाता है अपना रूम खरीदने के लिए ब्रोकर के पास। तो जिन बोलता है कि मुझको एक घर देखना है, मुझको कुछ अच्छा घर दिखाओ। तो उसका ब्रोकर भी दिखाने के लिए रह जाता है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है लीडर जी का सीन। तो वहाँ पे हंटर किम बोलते हैं, बटलर किम बोलते हैं, क्या उसने क्या बोला? तो हमारा लीडर जी बताता है, वो हम लोग के बारे में वरी था कि उसको लगा कि सैंगडोंग गिल जो है वो हम लोग से पंगा खड़ी कर रहा है। तो बटलर किम बोलता है कि वो एक इंटरेस्टिंग यंग मैन है, उसको सेंसेस कितना शार्प हो, तो सब चीज़ पता चल गया है। जिन हमारा लीडर सोचता है कि मैं डेफिनेटली जानता हूँ, जब वो एफ रैंक का था तो उतना शार्प नहीं था, सेंस भी इतना ताकतवर नहीं था, लेकिन क्या हुआ आज वो अकेले सोलो बंदा बी रैंक का गेट को क्लियर कर पा रहा है। जब मैं फर्स्ट टाइम मिला था तो वो एफ रैंक का था, मैं तो उसके बारे में कुछ सस्पिशियस हूँ। जिन टाइकून ऐसा हंटर है जो कंटिन्यूसली ग्रो कर सकता, वो भी एक बहुत स्पीड रेट में। तो हमारा किम पूछता है, लीडर जी पूछता है बटलर किम से कि आपको लगता है कि थर्ड अवेकनिंग नाम का भी चीज़ है? बटलर किम भी है। तो पोएम और गाना तो डेली सुनते हैं, आज अपन लोग सुनेंगे शायरी, वो भी मेरे जुबानी, ठीक है? वाह 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 करना है, ठीक है? अर्ज किया है, वाह 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 करो यार, वाह अर्ज किया है, वाह 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 वाह। एक दो वीडियो तो सब देखते हैं, मैं तो चारों सीरीज एक ही दिन में ख़त्म कर डालूँ, कोई वीडियो तो डाले सीरीज की, वाह। एक दो वीडियो तो सब देखते हैं, मैं तो चार सीरीज एक ही दिन में ख़त्म कर दूँ, कोई वीडियो तो डाले, वाह। तो इसी पे एक गाना भी सुनते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। यो हनी सिंह की जवानी। चार बोतल बोट का काम मेरा रोज का, ना मुझको कोई रोक के, नेक्स्ट ने रोक का, सो आई वांट टू हैंग ओवर टुनाइट, आई वांट टू हैंग ओवर टुनाइट। सूजी यको फिर भी तेरी देखो, आगे तो आती नहीं मुझको कोई गाने आती, ओ इसके आगे का गाना तुझको मिल जाती है वीडियो का एंडिंग में, इसके आगे की गाना मिल जाती है तुझको वीडियो में, कर दियो कमेंट, ओ इसी पे। हाँ एक और
कमेंट पढ़ते हैं तो सब वाह वाह वाह, कमेंट पढ़ते हैं तो सब वाह 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 वाह, कमेंट चार करके दिखाओ तो जानू वाह 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 वाह, क्या बात है। मिलते हैं कमेंट बॉक्स में एक और आपकी शायरी। आपको में से किसी को शायरी आता हो तो जाहिर कीजिएगा, अर्ज करजिएगा, और उस शायरी को कोशिश करूंगा मैं कि नेक्स्ट वीडियो में सुना सकूं। वाह 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 वाह, आज क्या हो गया है वाह वाह। तो शायरी आए तो शायरी कर दी नो, और चलती आती मिलती नेक्स्ट वीडियो में। तो इसका एंडिंग ख़त्म करते हैं, मिलते वहाँ जहाँ आती वीडियो कल, आता तुम भी वहीं मैं भी आता वहाँ, मिलेंगे दोनों बलियों के संग। वाह 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 वाह, कुछ मिलती नहीं फिर भी वाह 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 वाह, कमेंट करती चार बोतल।